Hello friends, myself Dr. Sunil Tanwar, consultant ENT and rhinoplasty surgeon. Friends, ear care awareness program के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही common problem ear wax. बहुत सारे लोग इस problem से कहीं ना कहीं कभी ना कभी घर में बड़ा छोटा बच्चे कभी ना कभी ear wax की problem से परेशान रहते हैं. आज हम जानेंगे क्या है ईयर वैक्स की प्रॉब्लम, कैसे इससे बचा जा सकता है, क्या कैसे इसको अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट व्हाट इज ईयर वैक्स. सबसे पहले अपने को ये जानना होगा क्या है ईयर वैक्स. फ्रेंड्स, ईयर वैक्स एक येलोइश मटेरियल है जो अपने ईयर कैनाल के अंदर जो सीबीसीएस ग्लैंड्स होते हैं उनसे फॉर्मेशन होता है. दैट इज द ईयर वैक्स. सो क्यों बनाया ईयर वैक्स, ये गोल्ड को क्या जरूरत हुई ईयर वैक्स बनाने की. बिकॉज जो ईयर वैक्स है दैट हैव द दैट क्लीन द ईयर, दैट लुब्रिकेट द ईयर एंड देन प्रोटेक्ट दिस ईयर कैनाल फ्रॉम डस्ट, बैक्टीरियाज, फंगस, इन सब से जो है अपने को ईयर को प्रोटेक्ट करता है. एंड इट हैव ए लुब्रिकेंट एक्शन. सपोज किसी के ईयर में पानी गया, सो इसके लुब्रिकेशन एक्शन के कारण वो पानी उसके ईयर कैनाल से वापस आ जाता है. सो ईयर वैक्स बनना मैंडेटरी है. अगर किसी के ईयर के अंदर ईयर वैक्स नहीं बनता, सो ईयर कैनाल ड्राई होने से उसमें एक्जिमा और स्किन की प्रॉब्लम होके बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं. सो ईयर वैक्स एक नॉर्मल, एक प्रोटेक्टिव एक सिस्टम है जो ईयर को और ईयर ड्रम को जो बाहर के जो हार्मफुल जो बैक्टीरिया डस्ट पार्टिकल्स है उनसे प्रोटेक्ट करता है. सो नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट कॉजेस ऑफ द ईयर वैक्स, क्यों बनता है वैक्स इतना जो एक्सेसिव वैक्स है. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, व्हेन ए पर्सन यूज एक्सेसिव ईयर बड्स फ्रीक्वेंटली द ईयर पेन पेंसिल्स इन योर ईयर फॉर द क्लीनिंग, देन यू डेवलप द ईयर वैक्स. व्हाई, बिकॉज फ्रेंड्स ईयर हैव ए ओवन सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम. जो बोर्ड ने अपने को ईयर को एक सिस्टम दिया है, वैक्स बनता है एंड ऑटोमेटिकली जो है वैक्स बाहर अपने जो ईयर कैनाल है उसके किनारे पे आता है और अपन उसको क्लीन करते हैं. बट इफ एनी पर्सन यूज एक्सेसिव ईयर बड्स जो आजकल मार्केट में कॉमर्शियल एड आता है, ईयर पिंस यूज करता है, पेंसिल एंड द कीज, सो जो वो ईयर वैक्स जो बाहर आए वो अंदर पुश हो जाता है और उसके ऊपर लेयर बाई लेयर वैक्स डिपोजिट होता जाता है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन रीजन जस्ट एक्यूमुलेट द ईयर. अनदर इम्पोर्टेंट, एनाटोमिकली हो सकता है किसी कैनाल के अंदर नैरो है, अगर ईयर की कैनाल नैरो है, या एक जब एक व्हेन ए पर्सन यूज हियरिंग एड्स जो या ईयर प्लग्स यूज में लेते हैं, या बहुत ज़्यादा डस्टी है कोई ऐसे एटमोसफेयर में वर्क कर रहा है उसके कारण भी जो है वो ईयर वैक्स का एक्यूमुलेशन होता है, या ईयर कैनाल के अंदर बहुत सारे हेयर्स होते हैं, बहुत सारे बाल्स होते हैं और कैनाल टेडी होती है जब भी ईयर वैक्स का फॉर्मेशन एक्सेसिव होता है. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज सिम्टम्स ऑफ द ईयर वैक्स. सो फ्रेंड्स, सिम्टम्स ऑफ द ईयर वैक्स, व्हेनेवर यू हैव वैक्स इन द ईयर, जब केनाल में वैक्स होता है तो उसमें क्या है, आपको यू फील द फुलनेस इन द ईयर कैनाल, ईयर के अंदर फुलनेस का फीलिंग होना, ईयर के अंदर जो है डिक्रीज साउंड, आपको जो ईयरिंग डिक्रीज हो जाती है एंड देन यू फील ए डिफरेंट हिसिंग साउंड्स, ईयर के अंदर डिफरेंट टाइप की साउंड्स आती हैं. ईयर के अंदर क्या है, बहुत बार क्या है फंगल इन्फेक्शन होकर डिस्चार्ज जिसको ओटोमाइकोसिस बोलते हैं हो जाता है एंड बहुत बार ईयर वैक्स के कारण आपको जो है वर्टिगो, पेशेंट फील द वर्टिगो, पेशेंट को चक्कर भी आते हैं. सो ये कॉमन सिम्टम्स हैं, लाइक सुनाई कम देना है, ईयर के अंदर फुलनेस होना है, ईयर के अंदर इचिंग होना है, ईयर के अंदर हिसिंग साउंड्स लाइक टिनाइटिस जो है वो होना है. दीज आर द कॉमन सिम्टम्स बाय व्हिच यू कैन आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम कि मेरे को ईयर वैक्स की प्रॉब्लम है. सो फ्रेंड्स, इन लास्ट हाउ वी मैनेज द ईयर, व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ दिस प्रॉब्लम. सो फ्रेंड्स, जो ईयर वैक्स की जो प्रॉब्लम है उसको एक कैटेगरी है कि वी कैन मैनेज बाय होम रेमेडीज. सिंस ट्रेडिशनली होम रेमेडीज हैं जैसे बेबी ऑयल है, डाइल्यूट हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, वो ईयर में कुछ ड्रॉप्स ईयर में डाला जाता है 10 to 15 days एंड जब ईयर वैक्स सॉफ्ट हो जाता है तो वो बाहर आ जाता है. बट यूजुअली ये देखने को मिलता है कि ये
जो है मैनेजमेंट है, ये ट्रीटमेंट है, पहले जब सिस्टम्स अवेलेबल नहीं होता था उस टाइम ये डाला जाए, क्योंकि इनसे क्या पूरा क्लीन नहीं हो पाता। सेकंड, जब पेशेंट क्लिनिशियन जब जो रिगार्डिंग डॉक्टर के पास जाता है, सो इसमें क्या है, कुछ वैक्स सॉल्विंग ड्रॉप्स डाली जाती हैं पहले, और वो वैक्स सॉल्विंग ड्रॉप डालने के बाद के अंदर अगर वैक्स कम होता है तो वो ऑटोमेटिकली निकल जाता है, बट समटाइम्स व्हेन द वैक्स इज इंपैक्टेड वो बहुत टाइट तरीके से फंसा होता है, तो उसके लिए क्या है, डिफरेंट मेथड है। एक मेथड है उसमें क्या होता है कि इरिगेशन में क्या होता है कि एक सिरिंज के अंदर एक उसमें सेलाइन जो है उसको फिल करके और हाई प्रेशर जेट से उसको क्लीन किया जाता है। ये मेथड्स अभी भी जहाँ पे फैसिलिटी नहीं होती या अर्लियर यूज में लिया जाता है, बट इससे क्या होता है कि जब कई बार क्या है पेशेंट को अगर पेशेंट के ईयर में होल होता है पर्दे में तो उसको चक्कर आ जाते हैं और थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है। सो ये एक आइडियल मेथड नहीं है, बट जहाँ फैसिलिटी नहीं है अभी भी इस मेथड को यूज करते हैं। द बेस्ट मेथड्स, बेस्ट एडवांस मेथड्स फॉर ईयर क्लीनिंग इज एंडोस्कोपिक क्लीनिंग। इस एंडोस्कोपिक क्लीनिंग सिस्टम एक टेलीस्कोप से एक मॉनिटर पे एंटायर जो वैक्स है उसको देख के इंस्ट्रूमेंट से उसको हल्का सा आगे करके और वैक्यूम से उसको निकाल लिया जाता है। उससे क्या पेशेंट्स को भी उसका जो उसका क्या उसको कैसे निकाल रहे वो उसको दिखता रहता है, और जो सारी जो प्रोसीजर है वो अंडर हाई मैग्निफिकेशन मॉनिटर पे अपने को दिखती रहती है, उसमें हार्मफुल और डैमेज होने के चांसेस हैं। सो एंडोस्कोपिक वैक्स क्लीनिंग दैट इज द बेस्ट मेथड ऑफ द ईयर वैक्स क्लीनिंग। सो फ्रेंड्स, these all informations regarding the ear wax is very useful, so I hope these all information is useful for you, and you can share these all informations with your friends, with your family, with your colleagues, just to create awareness about the ear wax problems. And for more informations you can subscribe my YouTube page, and you press the give the bell icon just for getting the further notification of the new videos and the for more new informations. Thank you.